जागो जम्मू न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूँ शीतल वर्मा। तो दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में आपको एक बार फिर लेकर आई हूँ मैं। जैसे कि आप जानते हैं, हर मंगलवार को मेरा नारी शक्ति कार्यक्रम चलता है। तो आज नारी शक्ति कार्यक्रम में मेरे साथ बहुत ही ज़्यादा होनहार जो नारी शक्ति हैं वो जुड़ी हैं, और उनका नाम है मिसेज नीतू शर्मा जी, और चेयरपर्सन ऑफ इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट की वो मेंबर भी हैं। तो स्वागत है मैम आपका। नमस्कार मैम। नमस्कार जी। मैम वेलकम हमारे इसके चैनल में, और मैं मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है इस नारी शक्ति कार्यक्रम में आप आज आए, आपने अपना समय दिया। तो मैं चाहूँगी कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि आप सबसे पहले कहाँ से बिलोंग करती हैं। आप सब दर्शकों को मेरा प्यार भर नमस्कार, और ख़ासकर शीतल जी आपको, जो आपने मुझे इस काबिल समझा कि अपने चैनल पे इनवाइट किया। तो मैं हमारे जम्मू कश्मीर का जो एक डिस्ट्रिक्ट आता है पूंछ, मैं वहाँ की रहने वाली हूँ। जी तो मैम बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आप सोशल वर्कर भी हैं, और आपने इंसानियत जिंदाबाद चेयरपर्सन के मेंबर भी हैं, और इंसानियत वैसे भी आपने ज़िंदा रखी है। देखा जाए तो लोग इंसानियत तो ज़िंदा रखते ही हैं, मगर सामने आके काम करते हैं, मगर आपने पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे ऐसे काम हैं जो किए हैं। दोस्तों आपको बताना चाहूँगी, ये एक सोशल वर्कर भी हैं, और जिस वक्त COVID-19 चल रहा था उस वक्त भी बहुत सारे लोगों की इन्होंने हेल्प भी की है। तो मैम मैं चाहूँगी आपने ये जो अपनी शुरुआत की, ये कब की? मैम ये शुरुआत की है, मुझे लगभग 3 साल हो चुके हैं। पहले भी हमारी कुछ जो मेरी फ्रेंड्स हैं, हमारे रिलेटिव्स में आते हैं, कुछ मोहल्लेदार जो हैं, तो हमने एक छोटा सा ग्रुप क्रिएट किया था। तो तब हम सोशल मीडिया पे इतने एक्टिव नहीं थे, तो हम सब जो अपने में से कंट्रीब्यूशन डाल के जो नीडी पर्सन आते थे उनकी हेल्प करते थे, और कोशिश होती थी कि हमसे कोई खाली हाथ ना जाए, हम किसी ना किसी की जो डिमांड है वो फिल करने में कामयाब रहें। तो जैसे जैसे लोगों को पता चला, सब ने मुझसे ये डिमांड की कि मैम आप एक ग्रुप क्रिएट कीजिए, हम भी उसके मेंबर बनना चाहते हैं, सोशल मीडिया पे आप शो कीजिए अपना जो भी है काम, ताकि लोगों को आपके बारे में पता चले और वो आपके साथ जुड़ें। और बहुत एक अच्छा रिस्पांस आया है मुझे लोगों का, क्योंकि फेसबुक पे भी काफ़ी वीडियोस वगैरह लाइक की जाती हैं, इंस्टा के पेज पे भी काफ़ी हमें अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है, और सोशल मीडिया पे खास करके न्यूज़ चैनल्स पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है हमें लोगों का। इसके लिए मुझे ये ग्रुप क्रिएट करना पड़ा सबकी डिमांड पे। मैम अपने लाइफ की जब ये शुरुआत की, आपने इसमें कदम रखा, तो नारी शक्ति के साथ साथ आपकी क्या क्या हॉबीज़ हैं, और आपकी फैमिली में कौन कौन है? मैम मेरी छोटी सी फैमिली है, एक बेटा है, मेरे हस्बैंड हैं, देवर हैं मेरे, और ख़ासकर मेरी हॉबीज़ होती हैं कि मैं लोगों की जो है तकलीफ़ें समझूँ, किसको क्या तकलीफ़ है, उसकी क्या परेशानी है, और पूरी कोशिश होती है मेरी कि मैं जो उसकी परेशानी है वो चाहे जैसे भी हो उसको सॉल्व कर सकूं, चाहे फाइनेंशियली हो या कोई भी उन्हें सपोर्ट चाहिए होता है। तो उसके अलावा मेरी हॉबीज़ हैं गार्डनिंग, कुकिंग वगैरह, और घर के कामकाज में जो है वो मुझे कामकाज में बहुत इंटरेस्ट है। घर में छोटा छोटा काम जो है वो अपने हाथों से करना, और एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ खुद किया है ये काम। तो दोस्तों आपने सुना कि नीतू जी ने कितना अच्छा बताया। मैं आपको ये भी बता दूं कि इन्होंने कभी भी अपने बारे में ना सोचते हुए हमेशा लोगों की मदद की, आगे बढ़ चढ़कर इन्होंने अपना नाम देश विदेश में भी बहुत अच्छे से कायम किया हुआ है। लोगों की हेल्प करते हैं, अपने हर एक अपने घर की सभी प्रॉब्लम्स होती है, इन्होंने उसको पीछे करके बल्कि उसकी तरफ ना ध्यान देते हुए लोगों की ज़्यादा मदद की, और सबसे आगे बढ़ चढ़ कर रहे। हाल ही में इनको अवार्ड भी मिला है। तो मैम क्या आपने कभी ये नहीं सोचा कि आप अपने लिए कुछ और करें, या कहीं बाहर जाके सेटल हो, या कहीं और बाहर जाने का आपको मौका मिला? अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी आई हैं मुझे, क्योंकि हाल ही में हमने कुछ 2 महीने पहले जो है जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। हमारी पूंछ की एक जो बच्ची है वो काफ़ी रेयर डिजीज से पीड़ित है, तो वो वीडियो जो है काफ़ी न्यूज़ चैनल्स पे भी आई, सोशल मीडिया पे भी वायरल हुई। उसके बाद मुझे जो है जम्मू से और अदर स्टेट से मुझे अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं कि मैम आप हमारी एनजीओ के साथ जुड़िए, आप हमारे साथ काम करिए। बट मुझे जो काम अकेले और अपने तरीके से करने में मज़ा आता है, मैं किसी के अंडर रह के वो काम नहीं करना चाहती। क्योंकि जम्मू की देखिए न्यूज़, अदर स्टेट्स की देखिए, तो वहाँ काफ़ी सोशल वर्कर्स हैं, काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो हाईलाइट करेंगे, लेकिन मेरी ये जो पूंछ की न्यूज़ थी ये हाईलाइट करने में सिर्फ उन फैमिली का मुझे साथ था और मेरा उनको सपोर्ट था, क्योंकि वो जो है न्यूज़ दुनिया के सामने लाना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि वो भी एक बेटी है। और आज मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि आज हमारी उसी बच्ची का जन्मदिन है,
और काफ़ी लोगों को इस चीज़ का पता नहीं है, और ईश्वर से मैं यही दुआ करती हूँ कि वो बच्ची जो है जल्द से जल्द ठीक हो, और उसके लिए हमारी सरकार से यही गुहार रहती है कि उसके लिए जो है मेडिसिन मंगाएं। इस वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंसिंग के बाद मुझे काफ़ी लोगों के जो हैं कॉल्स आई हैं, काफ़ी डिमांड उनकी अपॉर्चुनिटीज आई हैं कि मैम आप हमारे साथ आइए, आप जम्मू में आ जाइए, आप आगे पीछे आ जाइए, बट मैं जो है अपने डिस्ट्रिक्ट में अपने लोगों के साथ जो काम करने में तसल्ली रखती हूँ, मुझे बाहर जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं। मैं अपने चैनल के माध्यम से अविका को बर्थडे की बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू वेरी मच मैम। लंबी दुआ की जी, थैंक यू मैम, लंबी उसकी लंबी उम्र की उसकी दुआ करूंगी, और चाहूंगी अपने चैनल के माध्यम से पूरे देशवासियों से ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि उस बच्ची के लिए आप प्लीज़ देखें, अगर एक तिनका उठ के, अगर चिड़िया एक तिनका उठा के चलती है तो तिनके तिनके से ही घर बनता है, तो अगर पूरी दुनिया मिलके अविका को ब्लेसिंग्स देंगे और उसको फुल सपोर्ट करेंगे तो क्यों नहीं उसकी सपोर्ट होगी। जो डोज, जो मेडिसिन उसको अविका को अभी तक नहीं मिल पा रही है, अगर सभी ये चीज़ ठान के चलेंगे कि ये हमारी अपनी बेटी है, हमने अपनी बेटी की जान बचानी है, तो क्या अविका की जान नहीं बचेगी। और मैं अपने चैनल के माध्यम से एक बार फिर रिक्वेस्ट ये करूँगी, पहले भी मैंने ये न्यूज़ सामने लाई, और मैं रिक्वेस्ट करूँगी गवर्नर साहब को, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को, कि सर प्लीज़ अविका जो है वो एक देश की बेटी है, प्लीज़ उसकी जान बचाएं और जल्दी से जल्दी ठोस कदम उठाएं, चाहे उसको भी इस दुनिया के रंग रूप दिखें। और आपने इतनी सारी डेवलपमेंट की है, इतनी प्यारी प्यारी चीज़ें जो हैं स्मार्ट सिटी बनाई है, वो भी बच्ची बढ़ चढ़ के हर एक चीज़ देखे, तो मेरी एक बार फिर विश है उस अविका के लिए, हैप्पी बर्थडे अविका, मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स, सभी ब्लेसिंग्स आपके साथ हैं, गॉड ब्लेस यू बेटा। तो मैम मैं चाहूँगी कुछ और भी अपने बारे में जो है हमारे दर्शकों से शेयर करें। मैम हमारे यहाँ जो पूंछ डिस्ट्रिक्ट है ये कहने में तो डेवलपमेंट बहुत कर चुका है, लेकिन अभी कहीं ऐसी चीज़ें हैं जो सामने नहीं आ रही हैं, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं सोसाइटी के जो सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ लोग शर्म के मारे सामने नहीं आ रहे हैं, कुछ ऐसी लेडीज़ हैं जिनको कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जो है उनकी लाइफ में है, लेकिन किसी न किसी वजह से वो सामने नहीं आ रही। और मेरा ये पूरी कोशिश है कि मैं ऐसी लेडीज़ को अपने सामने लाऊँ जिन्हें कोई नहीं जानता, उनकी एक पहचान बनाऊँ, क्योंकि खुद की पहचान जो है जब तक आप खुद अपनी हिम्मत नहीं करेंगे तो खुद की पहचान नहीं बना पाएंगे। लेडीज़ का जो है शिक्षित होना तो ज़रूरी है ही है, लेकिन उसके साथ साथ समाज में हर काम में आगे आना, मैं ये उनका एक बहुत बड़ा स्टेप मानती हूँ कि उनको हर काम में जो है पार्टिसिपेट करना चाहिए, क्योंकि हमें अपनी आइडेंटिटी अलग से बनानी है। बहुत अच्छी बात कही मैम आपने कि हर एक को अपना हुनर जो है वो सामने लेकर आना चाहिए। तो एक छोटा सा सवाल रहेगा आपसे कि जिस तरह से आए दिन देखा जा रहा है कि ये ड्रग्स माफा जो है ये बढ़ता चला जा रहा है, घर घर में बच्चा जो है इसको अपना रहा है, तो इसके लिए मैं चाहूँगी कि कड़ी आवाज़ उठाई जाए, तो क्या कहेंगे उसके बारे में? इसके लिए भी मैम जो हमारी एनजीओ है इस पर भी एंटी ड्रग पर भी काम कर रही है, आने वाले टाइम में जो आने वाले कुछ दिनों में हमारा इस पर भी एक सेमिनार जो है हमारे ट्रस्ट की तरफ से किया जाएगा। और मेरी ये कोशिश है क्योंकि आप देखिए जो ड्रग्स हैं वो घर घर में, सिर्फ उसमें लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी मैंने देखी हैं, पर्सनली देखा है मैंने कि लड़कियां भी काफ़ी मात्रा में उसमें इन्वॉल्व हैं। तो एक मेरी कोशिश है कि कुछ ऐसा हटके यूनिक काम किया जाए जिससे हमारे बच्चे जो आए सोसाइटी में आगे आए, इस तरफ से हटके वो अपनी पहचान बनाए, चाहे वो किसी टैलेंट के थ्रू, सिंगिंग के थ्रू, किसी सामाजिक काम के थ्रू, किसी न किसी तरह से जो है बच्चों को उस तरफ से मोड़ के इस तरफ मोड़ा जाए। हाल ही में देखा गया है कि पुंछ जो है वो जहाँ पे भी देखो आए दिन ये न्यूज़ें आती रहती हैं कि आज वहाँ पे एक्सीडेंट हो गया, आज वहाँ पे ऐसा क्यों, पुंछ में ही क्यों इतना ज़्यादा एक्सीडेंट का जो माहौल है वो बना हुआ है? देखिए एक तो पुंछ जो है हमारा वो बहुत ही ज़्यादा हिली एरिया है, आप देखेंगे जून के महीने में इस वक्त जो हमारे पुंछ में है जो बारिशें रुकने का नाम नहीं ले रही हैं, और ऑल ओवर इंडिया में देखें आप तो जितना तापमान जून में बढ़ता है वो इस वक्त जो टोटली तापमान ठंडा हो चुका है। आप जम्मू की बात कर लें, इस वक्त मई में वहाँ पे जो एसी वगैरह स्टार्ट थे, लेकिन अभी भी आप देखें कि जम्मू में पिछले सालों के कुछ बीते हुए सालों के बजाय इस साल जो है गर्मी बहुत कम है। एक तो हमारे सामने ये इशू आता है कि पहाड़ी एरिया है, लैंडस्लाइडिंग होती है, रोड की जो है वो काफ़ी खस्ता हालत है, कुछ जगह पे वर्क हो रहा है कुछ जगह पे नहीं हो रहा है, और कुछ ऐसे केसेस सामने आए हैं कि जो ड्रिंक करके ड्रग्स लेके जो हैं जो गाड़ियां ड्राइव करते हैं, जो ज़्यादातर युवा हैं हमारे जो जवान बच्चे हैं, इस तरह के जो लड़के जो हैं ड्राइव करते हैं, तो उनका जाहिर सी बात है एक्सीडेंटल होना तो एक सामान्य सी बात है।
नीतू जी मेरे साथ हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने बड़ी सारी चीज़ें जो हैं हमारे चैनल के माध्यम से हमारे व्यूज़ के साथ शेयर की हैं। तो नीतू जी, आपने कोविड में भी चलते कोविड के चलते इतनी अच्छी चीज़ें आपने लोगों की हेल्प की, उनके घर घर राशन पहुँचाए, उनकी बढ़ चढ़ के आपने ये की। तो आपने क्या अपनी लाइफ के बारे में कभी ये चीज़ सोची, और फैमिली के साथ रहकर आपने किस तरह से ये हैंडल किया? मैम, सबसे बड़ा जो सपोर्ट होता है वो आप देखिए कि फैमिली का होता है, और जो आपके साथ जुड़े हैं कुछ पर्सन हैं उनका सपोर्ट होता है। अकेले अगर आप कहें कि मैं अपने दम पे कुछ कर रही हूँ तो ये गलत होगा। मेरी कोरोना काल में भी हमने, आज आपके चैनल के माध्यम से मैं बात हाईलाइट कर रही हूँ, इससे पहले मैंने ये कभी एक्सेप्ट नहीं किया कि मैंने कोरोना में जो किसी की मदद की है। कोरोना में हमने जो है एक मतलब गुप्त तरीके से लोगों की हेल्प की है, उसको हमने सोशल मीडिया पे नहीं वायरल किया, और हमने उनसे भी रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ कोई फोटोग्राफ कोई पिक्चर जो है वो आप मत डालिए, क्योंकि ये एक निष्काम भाव की सेवा है, इसमें हमें पब्लिसिटी लेने की ज़रूरत नहीं है। एक दूसरे हाथ तो हाथ जो है ना, एक दूसरे के साथ अगर हेल्प करे तो ये मज़ा होता है कि एक हाथ हेल्प करे तो दूसरे को भी खबर ना हो। हाँ, कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जो मुझे सोशल मीडिया पे वायरल करनी पड़ती हैं कुछ न्यूज़, क्योंकि आप देखिए कि सोसाइटी में हमेशा दो तरह के लोग रहते हैं, एक अच्छी सोच रखने वाले हैं और एक बुरी सोच रखने वाले हैं। जो अच्छी सोच रखने वाले हैं वो तो ये समझेंगे कि हम हेल्प कर रहे हैं, लेकिन जिनकी सोच जो है रोकी नहीं जा सकती, जिनकी घटिया सोच है, वो ये सोचेंगे कि पता नहीं कितना पैसा है इनके पास, कहाँ से ये पैसा लाते हैं और कितना ये अपनी जेब में डाल रहे हैं। तो ये आपके चैनल के माध्यम से मैं क्लियर करना चाहती हूँ कि मुझे किसी कोई, मैं गवर्नमेंट से कोई फंड नहीं रहती हूँ, मैं किसी एनजीओ के साथ इन्वॉल्व नहीं हूँ। हाँ, मेरे ग्रुप मेंबर्स हैं लगभग 45 मेंबर्स जो हम साथ हैं, पर मंथ जो है हम डोनेशन डालते हैं, चाहे कोई 100 डाले, 50 डाले, 200 डाले, वो उनकी अपनी पर्सनली है, जितनी उनकी क्षमता है। तो वो जब हमारे पास इकट्ठा होता है फंड, तो वो जो हम जो है लोक सेवा में लगाते हैं। जी, बहुत अच्छा कहा आपने। तो दर्शकों, देखा आपने, जैसे कि मैंने हाल ही में पहले भी आपको ये चीज बताया है कि नीतू शर्मा जी ने पर्दे के पीछे रहकर बहुत सारे ऐसे काम किए हैं, सोशल वर्कर रहते हुए कोविड के टाइम भी और अभी भी ये बहुत अच्छा काम करते जा रहे हैं। इस टाइम मेरे साथ जो जुड़े हुए हैं वो है नीतू शर्मा जी, जो चेयरपर्सन है इंसानियत जिंदाबाद ट्रस्ट के। तो बहुत अच्छा लगा नीतू जी आपसे बात करके। तो मैं एक बार फिर यही चीज़ रिपीट करूँगी कि जो नारी शक्तियाँ अपने आप को सामने नहीं ला रही, जो उनका हुनर है, जो अपना हुनर सामने नहीं लेकर आ रही हैं, तो वो अपना हुनर जो है मेरे साथ शेयर करें। स्क्रीन पर मेरा नंबर जो है वो शेयर करती हूँ मैं। तो इस कार्यक्रम को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें। चाहे नीतू शर्मा जी जैसी लेडी, जो नारी शक्ति हैं, वो देश विदेश में अपना नाम जिस तरीके से उन्होंने रोशन किया, और आए दिन वो कदम के साथ कदम मिला के, कंधे के साथ कंधा मिला के हर एक की हेल्प कर रही हैं, तो बढ़ चढ़ कर और ज़्यादा ही आप सबके हेल्प में इन्वॉल्व हों। तो मुझे उम्मीद है आज का ये नारी शक्ति कार्यक्रम बहुत पसंद आया होगा। नेक्स्ट नारी शक्ति कार्यक्रम के साथ फिर जुड़ूंगी। नमस्कार। जीवन का भरपूर आनंद उठाएं, आयु लाइन के हर्बल जूस अपनाएं,